जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5000 टीचर का ट्रांसफर कर दिया, रात के बीचों बीच कर दिया, मेरे यानी दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री के आदेश के खिलाफ कर दिया। ये ट्रांसफर क्यों हुआ? ये 5000 टीचर्स का ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि ये वो टीचर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट किया है। ये वो टीचर हैं जिन्होंने 10 साल की अपनी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर किए। ये वो टीचर हैं जिन्होंने 10 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स का एडमिशन IIT और JEE में करवाया है। तो जो टीचर 10 साल से अपने अपने स्कूलों में मेहनत कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ लग के मेहनत कर रहे थे, उन 5000 टीचरों का भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रातों रात ट्रांसफर करा दिया। लेकिन जिस दिन ये ऑर्डर आया था, मैंने आप लोगों को ये वादा किया था, दिल्ली के लोगों को वादा किया था, माता पिता को वादा किया था, टीचरों को वादा किया था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के स्कूलों को कोई नुकसान नहीं होने देगी। हम दिल्ली के टीचर्स के हक के लिए, हम दिल्ली के बच्चों के हक के लिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए लड़ते रहेंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके एलजी साहब को इन 5000 टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेना पड़ा है। ये ना सिर्फ दिल्ली के शिक्षकों की जीत है, पेरेंट्स की जीत है, ये दिल्ली वालों की जीत है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है कि अगर वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से छेड़छाड़ करेंगे, अगर वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो दिल्ली वाले उसका विरोध करेंगे, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। और दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद करने की उनकी जो ये साजिश थी, ये हम सब ने मिलकर इस साजिश को, इस षड्यंत्र को रोक दिया है। मैं सभी दिल्ली वालों को ये बधाई देना चाहती हूँ कि आपका संघर्ष सफल हुआ। मैं टीचर्स को बधाई देना चाहती हूँ, माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों को परेशान करने की, दिल्ली वालों की जिंदगी खराब करने की, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बिगाड़ने का ये जो रोज रोज आप षड्यंत्र रचते हो, इस षड्यंत्र को रचना बंद करो। दिल्ली के लोग आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे।